मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक माँ अपने बच्चे की भलाई चाहती थी, और अगर इस सब में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। एक बात और विराट, पिछली बार मैंने गलती की है कि मैं चोरी छुपे सही से मिलने चली गई, लेकिन आज मैं सीधे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ विराट कि कमिश्नर सर ने तुमसे एक सवाल पूछा है, और इससे पहले तुम उन्हें कुछ जवाब दो मैं तुम्हें कुछ बता देना चाहती हूँ। तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारे फैसलों में मंजूरी तो जरूरी है ना? दिया था मैंने तुम्हें वो हक, लेकिन अब वो हक खो चुकी हो तुम। मैं जानती हूँ विराट, मैं जानती हूँ कि मेरी बेवकूफी की वजह से मैंने क्या क्या खोया है। मैंने अपना वो हक खोया है, अपना सम्मान खोया है। शायद तुम आगे से किसी भी बात में मेरी कोई राय ना लो, मेरी कोई बात ना मानो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब हमारे रिश्ते में सिर्फ सच्चाई देखना चाहती हूँ विराट। मैं अब कोई गलती करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अब से मुझे कोई भी बात परेशान करेगी ना तो मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं सीधा तुम्हें बता दूंगी, और फिर वो तुम्हें तय करना है कि तुम्हें उस बारे में क्या सोचना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि पहले ही आज नहीं, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं अपनी हरकतों पर वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं दिल से तुमसे माफी मांग रही हूँ। हालांकि हमारे बेड्स में भी हमारे दिलों की तरह फासले रहे हैं, हमारे बीच कभी पति पत्नी जैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है विराट। मेरे लिए ये रिश्ता हमेशा से सच्चा रहा है, और कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उसकी एक्स वाइफ के साथ काम करे, और मैं भी नहीं चाहती। इसलिए प्लीज तुम कमिश्नर सर को मना कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उनकी ये बात मानना हमारे रिश्ते के लिए, बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं इस बारे में सोच भी रही हूं तो मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत बहुत अजीब महसूस हो रहा है। शायद तुम्हारे लिए भी यही सही रहेगा। तुम और सही बहुत झगड़ते रहते हो और एक दूसरे को बहुत ताने मारते हो। हालात इतने ना बिगड़ जाए जिससे तुम्हारे और सभी के रिश्ते पर भी असर पड़ जाए, इसलिए प्लीज विराट उन्हें मना कर देना। मैं जानती हूँ विराट कि तुम्हें यही लग रहा होगा कि मुझे हर बात में तकलीफ होती है, मैं दिन ब दिन वैसी पत्नी बनती जा रही हूँ जो अपने पति के हर फैसले में दखल देती है, जो अपने पति को काबू में करने की कोशिश करती, लेकिन सच में मैं वैसी नहीं हूँ। पत्र लिखा? नहीं विराट, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं वैसी पत्नी नहीं बनना चाहती, मैं हूँ ही नहीं वैसी। पत्र सच लिखा? चिंता मत करो, मैं मना ही करने वाला हूँ।